हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको बॉर्डर वाले ब्लाउज की कटिंग करना सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये दोस्तों जो ब्लाउज की कटिंग करना सिखाएंगे वो चार डॉट ब्लाउज की कटिंग करना सिखाएंगे 80 सेंटीमीटर कपड़े में। अगर दोस्तों हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं या फिर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को अलाउ कर देना, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। इसी तरह सिलाई से रिलेटेड वीडियो दोस्तों हमारे चैनल पर आती रहती है। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। सबसे पहले दोस्तों हम आपको नाप समझाएंगे। ब्लाउज की लंबाई दोस्तों 14 इंच है, चेस्ट हमारी 38.5 इंच है, कमर 31.5 इंच है, शोल्डर 11.5 इंच है, फ्रंट नेक 6.5 इंच है, बैक नेक 7.5 इंच है, बाजू की लंबाई 7 इंच है, बाजू की मोहरी 5.5 इंच है, बाजू बाइसेप्स 7 इंच है, प्लेट लेंथ दोस्तों 10 इंच है, फ्रंट दोस्तों हमारी जो कटिंग होगी 11.5 इंच पे और आर्मोल जो कटिंग होगा दोस्तों 6.5 इंच पे। ये दोस्तों हमारे बने हुए ब्लाउज का नाप है। अगर आपको बने हुए ब्लाउज का यानी कि सिले हुए ब्लाउज का नाप लेना नहीं आता है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप सीख सकते हैं बने हुए ब्लाउज का नाप किस तरीके से लें। ये दोस्तों जो हमारा तैयार नाप है इसी नाप से ही दोस्तों हम आपको कटिंग करना सिखाएंगे। इसमें दोस्तों हम कोई लूजिंग वगैरह नहीं देंगे। अब जैसे कि दोस्तों ये हमारा कपड़ा है, सबसे पहले दोस्तों हम आपको कपड़ा नाप के दिखाएंगे। इस तरीके से दोस्तों इंच टेप रखेंगे तो दोस्तों जो हमारा कपड़ा है ये है दोस्तों हमारा 80 सेंटीमीटर, ठीक है। 80 सेंटीमीटर कपड़े में आपको चार डॉट ब्लाउज की कटिंग करना सिखाएंगे। नॉर्मली दोस्तों एक तरफ इस तरीके से कपड़ा कर लेंगे, ठीक है, एक तरफ कपड़ा ज़्यादा करेंगे और एक तरफ कम करेंगे। ये दोस्तों हमारा सीधा है तो सीधी तरफ आप कटिंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बनाते टाइम आप देख लेंगे, ठीक है। अब बॉर्डर की तरफ से इस तरीके से आधा इंच कपड़ा छोड़ना है, ठीक है। इस तरीके से छोड़ने के बाद जितनी भी आपकी चेस्ट हो उतना इस तरीके से नापना है, ठीक है। हमारा 38 इंच है तो 9.5 इंच इस तरीके से हमने नाप लिया और बाकी दोस्तों इधर हमारा लूज टाइट का दबाव रहेगा ब्लाउज में, ठीक है। तो हमारा इस तरीके से आपको नापना है बॉर्डर वाले ब्लाउज की अगर आप कटिंग करते हैं तब। तो इस तरीके से एक जैसा आप बिछा लेंगे कपड़ा और एक बार आप नाप लेंगे, जैसे नीचे इस तरीके से पूरा कपड़ा नाप लेंगे बॉर्डर तक, यहाँ से भी दोस्तों एक जैसा आपको बिछाना है कपड़ा। अब फिनिशिंग से इस तरीके से बिछाने के बाद क्या करना है दोस्तों, आपको स्केल लेना है, नाप देख लेंगे। सबसे पहले इस तरीके से नाप अपने सामने रख लेंगे और इस तरीके से स्केल लेंगे। स्केल की मदद से दोस्तों नीचे इस तरीके से निशान लगाएंगे, आड़ा टेढ़ा कपड़ा जो भी होगा वो कटिंग करके हटा देंगे और ये हमारा इस तरीके से एक स्केल के बराबर लग जाएगा दोस्तों तुरपाई के मार्जिन का फोल्ड। अब आधा इंच छोड़ते हुए आपको एक निशान लगाना है, फिर उसके बाद दोस्तों हुकाई की पट्टी का एक निशान लगाना है आधा इंच का, ठीक है। बॉर्डर के लिए भी आधा इंच छोड़ना है और हुकाई के मार्जिन का भी आधा इंच छोड़ना है। अब लंबाई हमारी इसकी 14 इंच है, ठीक है। सबसे पहले आपको लंबाई देखनी है नाप में। अब दोस्तों लंबाई हमारी 14 इंच है, ठीक है, उसमें एक इंच प्लस करेंगे तो हमारी 15 हो जाएगी टोटल। इस तरीके से निशान रखते हुए निशान पे ही 15 इंच रखेंगे, एक निशान लगा देंगे। आर्मोल का निशान दोस्तों हमने इसमें नाप ले रखा है तो दोस्तों हमारा टोटल लगेगा 6.5 इंच पे। प्लेट लेंथ का दोस्तों निशान हमारा लगेगा 10 इंच की निशान डॉट है तो 10.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। इंची टेप आगे बढ़ाकर जो हमने निशान लगाए थे वो एक जैसे उठा देंगे। अब इन्हीं निशानों को करेंगे स्केल से सीधा इस तरीके से। दोस्तों हमारा ये डॉट का निशान हो गया, आर्मोल लेंथ का निशान हो गया, ये शोल्डर का निशान हो गया। जहां आपकी डॉट का निशान है वहां पर दोस्तों 4.25 इंच के इस तरीके से निशान लगाना है और 2.25 इंच आधा इंच ऊपर उठा के इस तरीके से 2.25 इंच का निशान लगाना है। इधर भी दोस्तों 2 इंच का निशान लगाना है आधा इंच ऊपर उठा के और 4.25 इंच का जो निशान लगाया है वो नीचे इस तरीके से आपको लगाना है। कमर का निशान जितना हो दोस्तों उतना आप तैयार लगा लें, उसके बाद 1 इंच का दबाव छोड़ दें प्लेट के लिए। अब दोस्तों ये हमारे निशान लगे, ये आर्मोल लेंथ का निशान है, उस जगह पे दोस्तों आपको चेस्ट का निशान लगाना है। जितनी भी आपकी चेस्ट हो उस हिसाब से निशान लगाने के बाद आपको एक जैसे सीधे निशान करने हैं। यहाँ पर दोस्तों टाइट लूज का मार्जिन छोड़ते ही आपको निशान लगा देना। अब दोस्तों आर्मोल लेंथ का जहाँ निशान लगा हो उस जगह पर दोस्तों हमारी फ्रंट का निशान लगेगा, फ्रंट क्रॉस का, तो दोस्तों वो हमने ले रखा है 11.5 इंच। तो दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ पर जो निशान लगेगा वो 6.25 इंच का लगेगा, 11.5 इंच का हो गया हमारा 6.25 इंच। 6.25 इंच आगे बढ़ाकर इस तरीके से निशान लगाना है। अब दोस्तों इस तरीके से निशान पहले सीधी डॉट का निशान सीधा करेंगे, क्रॉस में इस तरीके से निशान लगाएंगे, फिर उस वाली डॉट का भी क्रॉस में निशान लगाएंगे और फ्रंट क्रॉस से दोस्तों इस तरीके से डॉट का निशान लगा देंगे और चारों डॉटों में दोस्तों एक जैसा मार्जिन देते हैं निशान लगा देंगे। ये दोस्तों हमारे निशान लगे। अब शोल्डर की बारी है दोस्तों, शोल्डर पे निशान, जैसे हमने ये शोल्डर ले रखा है तैयार, ठीक है, 11.5 इंच, तो इस तरीके से क्या करेंगे 6.25 इंच का एक निशान लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों 3.25 इंच का आर्मोल गले ब्रॉड का निशान लगाना है, ठीक है, ये हमारे सारे निशान लग गए। अब क्या करेंगे दोस्तों स्केल की मदद से पहले फ्रंट क्रॉस पर जो निशान लगा था उसे सीधा करेंगे, बैक क्रॉस पर निशान सीधा करेंगे और फ्रंट क्रॉस का आर्मोल की शेप दे देंगे, फिर उसके बाद दोस्तों आपको बैक क्रॉस की आर्मोल की शेप देनी है। ये सारे निशान दोस्तों आपको लगाते ही आइडिया हो जाएगा किस तरीके से आर्मोल की शेप दी जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको गला जितना भी हो उसमें आधा इंच प्लस करने के बाद निशान लगाने के बाद एक जैसा निशान लगा देंगे, ठीक है, और गोल गले की शेप दे देंगे। अब आप दोस्तों कोई सा भी पॉइंटेड गला बना सकते हैं, मैंने दोस्तों गोल गले की शेप दे दी और नॉर्मली इस तरीके से हमने सारे निशान लगा दिए। अब दोस्तों इस तरीके से हुकाई का आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए आपको कटिंग कर देना है। गले से इस तरीके से कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद दोस्तों शोल्डर से सीधा कटिंग करेंगे एकदम, और दोस्तों यहाँ से आपको जो बैक क्रॉस का आर्मोल की शेप लगाई उसी जगह से ही कटिंग करेंगे, फ्रंट क्रॉस से आप कटिंग ना करें। इस तरीके से मार्जिन छोड़ते हुए आपको फिनिशिंग से कपड़ा कटिंग कर दे
देना है। इधर से दोस्तों आड़ा टेढ़ा कपड़ा है हमारा, वो एक जैसा फिनिशिंग से कटिंग कर देंगे। ये दोस्तों हमारा फ्रंट पल्ला कटिंग हो जाएगा, नॉर्मल जैसे कटिंग करते हैं उसी तरीके से कटिंग हो जाएगा। अब आपको बैक पल्ला कटिंग करना सिखाएंगे। जैसे दोस्तों आपकी तरफ हम बंद बिछा हुआ है तो दोस्तों अपनी तरफ मैं बंद बिछा लूँगा, ठीक है, इस तरीके से, और आपकी तरफ हो जाएगा ओपन। अब क्या करना दोस्तों, इसी के ऊपर दोस्तों जो हमारा फ्रंट पल्ला है उसको अच्छे से फिनिशिंग से बैठा लेंगे। और हुक्काई का मार्जिन दोस्तों वो बाहर की तरफ आपको निकाल के रखना है, ठीक है, और बंद जो है हिस्सा उसी के बराबर से ही मार्जिन निकाल के आपको बिछाना है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना है कि आपका कपड़ा कम है तो अच्छे से फिनिशिंग से आपको बैठाना है, यहाँ पर आपका कम ज़्यादा ना हो, ठीक है। इस तरीके से आपको अच्छे से फिनिशिंग से बैठाने के बाद क्या करना है दोस्तों, इस जगह से आपको गले की तरफ से निशान लगा लेना है फ्रंट पल्ले के बराबर से ही। अब क्या करेंगे, इस तरीके से कैंची की मदद से जो हमारी सेंटर की डॉट है उस पर निशान लगा देंगे, नीचे भी इस तरीके से निशान लगा देंगे, लंबाई का जो निशान है उससे आधा इंच ऊपर उठा के इस तरीके से निशान लगा देंगे आप। अब क्या करेंगे, फ्रंट पल्ले को दोस्तों इस तरीके से आप हटा देंगे, ठीक है, ये जो हमारा निशान लगा हुआ है इस जगह से फ्रंट पल्ला हटा देंगे। अब यहाँ से दोस्तों जितना भी गला है आपका उसमें से आधा इंच प्लस करेंगे उसमें और निशान लगा देंगे, ठीक है। आधा इंच प्लस करने के बाद गले में निशान लगा देंगे, यहाँ से 3 इंच या 3.25 इंच या 3.25 इंच आप ले सकते हैं। इस तरीके से निशान सीधे कर देंगे, ये निशान सीधे करने के बाद आप कोई सा भी पॉइंटेड गला बना सकते हैं। मैं दोस्तों गोल गला बनाऊंगा, शेप देके इस तरीके से कटिंग कर देंगे। इस तरीके से कटिंग दोस्तों इसलिए करते हैं क्योंकि दोस्तों इसमें हमारा कपड़ा कम होता है तो दोस्तों जो हमारा कपड़ा बचता है वो गले वगैरह बनाने में काम आ जाता है। अब इसी के बराबर से ही फ्रंट पल्ला अच्छे से फिनिशिंग से बैठा लेते हुए आपको फ्रंट पल्ले के बराबर से ही कपड़ा कटिंग कर देना है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। इस तरीके से बैक पल्ला हमारा कटिंग हो गया, फ्रंट पल्ला साइड में इस तरीके से हटाएंगे, ठीक है, फ्रंट पल्ला हटा देंगे और दोस्तों जो फ्रंट पल्ले की जो हमने आर्मोल की सेव दी है फ्रंट पल्ले में उसे कटिंग कर देंगे। एक जैसा फिनिशिंग से आप कटिंग करना है, ठीक है, कहीं आपका नीचे का कपड़ा ना कटे। इस तरीके से करने के बाद आपको दोस्तों नीचे से भी इस तरीके से जो लंबाई का निशान लगाया था उसे निशान खींच देंगे और यहाँ पर दोस्तों कैंची की मदद से हमने डॉट का निशान लगाया था उसको भी एकदम सीधा कर देंगे, ठीक है, डॉट का हमारा निशान लग जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, ये जो हमारा बॉर्डर बचा है वो नीचे की तरफ आएगा, नीचे दोस्तों हमारा आधा इंच का मार्जिन बचा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से हमारा नीचे बॉर्डर लग जाएगा और हमारी जो लंबाई बनके तैयार आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से आधा इंच का हमारा मार्जिन बचा हुआ है बॉर्डर के लिए और हमारी जो मार्जिन बनके यानी कि ब्लाउज की लंबाई बनके तैयार आ जाएगी। ये दोस्तों हमारा फ्रंट पल्ला बैक पल्ला कटिंग होकर तैयार हो गया है। अब आपको बाजू कटिंग करना सिखाएंगे। ये दोस्तों जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है इसको इस तरीके से आप डबल में फोल्ड करेंगे, ठीक है, इस तरीके से डबल में आप फोल्ड करेंगे। डबल में फोल्ड करने के बाद इस तरीके से चब्बर में फोल्ड करेंगे। अब दोस्तों बाजू बाइसेप्स का जो नाप है हमारा तैयार 7 इंच है, ठीक है, तो दोस्तों इसको इस तरीके से नापेंगे, ठीक है, तो हमारा इस तरीके से नापेंगे तो इधर दोस्तों हमारा बाजू बाइसेप्स आ जाएगा लेकिन आपका लूज टाइट के लिए दबाव नहीं बचेगा। तो इस तरीके से पीछे कर लेंगे कपड़े को और यहाँ से नापेंगे कि हमारा बाजू बाइसेप्स भी आ जाएगा और यहाँ से टाइट लूज के लिए कपड़ा भी बच जाएगा। तो दोस्तों इसको इस तरीके से बॉर्डर से फिनिशिंग से बैठाते हुए आपको जो हमारे नीचे किनारी दिख रही है उधर दोस्तों आपको निशान एकदम लगाना है स्केल की मदद से आधा इंच छोड़ते हुए। इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से दोस्तों इंची टेप रखना है, इंची टेप की मदद से जितना भी आपकी बाजू हो उसमें आधा इंच का प्लस करेंगे और एक निशान लगा देंगे। जैसे 7 इंच है तो 7.5 इंच भी इस तरीके से निशान लगाएंगे। 3.5 इंच पर आपको बाजू बाइसेप्स का निशान लगाना है और सारे निशान इस तरीके से सीधे कर लेंगे। जहाँ आपने बाजू बाइसेप्स का निशान लगाया उस जगह पर दोस्तों बाजू आर्म लेंथ का निशान लगाएंगे, ठीक है, इस तरीके से मोहरी का निशान लगाएंगे। मोहरी का निशान लगाने के बाद ये निशान कर देंगे सीधे और मार्जिन देते हुए इस तरीके से ये निशान सीधा कर देंगे। ऊपर से आर्मोल की शेप देते हुए फिनिशिंग से इसी निशान पर ही कटिंग कर देंगे, मार्जिन पे इस तरीके से कटिंग कर देंगे। ये दोस्तों हमारी बाजू कटिंग होगी, ऊपर इस तरीके से कुटका लगा देंगे, यहाँ पर भी दोस्तों इस तरीके से कुटका लगा देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा बंद है तो इसको भी ओपन करते हुए इस तरीके से कटिंग कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों जोड़ लगेगा, जोड़ आप इसमें ही कपड़े में से ही कटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से बैठाते हुए अच्छे से आपको जितना आपका जोड़ चाहिए उतना ही कपड़ा इस तरीके से कटिंग कर दें। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम जोड़ लगाएंगे। जोड़ लगाने के बाद क्या करना है, इस तरीके से जो हमारा बढ़ता हुआ पल्ला है उसी के बराबर से ही कटिंग कर देंगे, ठीक है। कटिंग करने के बाद क्या करेंगे, इस तरीके से ओपन करेंगे दोनों बाजू और यहाँ से दोस्तों फ्रंट यानी कि फ्रंट पल्ले की बाजू की गुलाई कटिंग कर देंगे, गहराई, ठीक है। आपको जोड़ लगाना है, जोड़ लगाने के बाद उसके बाद ही कटिंग करेंगे फ्रंट पल्ले की, ठीक है, गहराई की। इस तरीके से दोस्तों ये हमारी बाजू कटिंग हो गई, ये हमारा फ्रंट पल्ला बैक पल्ला कटिंग हो गया है, ठीक है। और बाकी हमारा खर्चा वगैरह बचा है, ये बॉर्डर जो बैक में लग जाएगा ये हमारा खर्चा वगैरह जो हमारे गले वगैरह बनाने में काम आएगा। इस तरीके से दोस्तों इसी नाप से जो मैंने सिखाया है, ये दोस्तों हमारा तैयार नाप था, इसमें हमने कोई टाइट लूज वगैरह का लूज मार्जिन नहीं दिया है, जो हमारा तैयार नाप था उसी नाप से ही दोस्तों आपको कटिंग करना सिखा दिया है। ये तो अगर दोस्तों आपको ब्लाउज का नाप लेना नहीं आता है सिले हुए ब्लाउज का, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप सीख सकते हैं। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को लॉक कर देना, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। सिलाई से रिलेटेड वीडियो देखने के दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर।